हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आज है 12 नवंबर और डे है ट्यूसडे। मैं आप सभी को इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज आज मेरे भाई का बर्थडे है। उसे मैं आप लोगों से काफ़ी बार अपनी वीडियो में मिलवा चुकी हूँ, आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, तो आज उसी का बर्थडे है। तो बस हम लोग जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। सिंपल सा बर्थडे सेलिब्रेशन है, रेस्टोरेंट जाएंगे, केक कटिंग करेंगे और डिनर करेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो बस मैं जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, बाकी मम्मी पापा और मेरा भाई, तो हम पांचों लोग जा रहे हैं। और इस ऐसे मोमेंट पर हमेशा मैं अपनी सिस्टर को मिस करती हूँ, मैं क्या सभी करते हैं, बिकॉज वो भी अगर हमारे साथ होती तो कितना अच्छा लगता, लेकिन वो हर मोमेंट पर हमारे साथ नहीं हो पाती हैं। फैमिली में अगर कुछ भी छोटा भी कुछ प्रोग्राम होता है या कोई सेलिब्रेशन होता है तो घर के सारे फैमिली मेम्बर एक साथ होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं आ सकती हैं। आप सभी जानते हैं वो इंदौर में रहती हैं, उनको बच्चों को भी देखना होता है, उनकी पढ़ाई देखनी होती है और अपना घर भी देखना होता है, तो वो हर टाइम यहाँ पर नहीं आ सकती हैं, उनका आना पॉसिबल नहीं है। तो बस हम लोग जा रहे हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने ये कुर्ती डाली है। जाने से पहले मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आप उसे देख पाएंगे सबसे पहले। और आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, पहले हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर, वहाँ से सभी लोग साथ में जाएंगे, तो चलते हैं। अभी मैं मम्मी के घर आ चुकी हूँ और पापा थे तो मैंने आप सभी से उनको भी मिलवा दिया है। वो तैयार हो चुके हैं, तो बस वो टीवी देख रहे थे बैठकर यहाँ पर, और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो वो भी साथ में बैठ गए थे पापा के। तो ये है मेरा भाई जिसका आज बर्थडे है, सो प्लीज़ आप सभी इसको विश कीजिएगा और बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। हाय। अब हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट, मम्मी रेडी हो चुकी हैं और ये जो आपको नॉइस आ रही है तो मम्मी पूजा कर रही हैं मंदिर में, और बस वो पूजा कर लेंगी तभी हम लोग साथ में निकलेंगे। और ये है मम्मी, इनने कर ली है पूजा, से हाय। तो बस चलिए अब हम लोग चलते हैं। मम्मी ने पहनी है ये साड़ी, कैसी है बताइएगा, बिकॉज मुझे ये काफ़ी पसंद आई और काफ़ी अच्छी लग रही है। ये बनारसी साड़ी है जो कि अभी काफ़ी चल रही है इस टाइम, तो मेरी मम्मी कैसी लग रही हैं बताइएगा ज़रूर। हम लोग अभी आ चुके हैं रेस्टोरेंट, तो आप लोग देख ही सकते हैं इस रेस्टोरेंट का नाम है राजभोग। तो यहाँ पर आए हुए हैं हम और बाहर का थोड़ा मैं आप लोगों को जो व्यू है वो दिखा रही हूँ। हम लोग आ चुके हैं अंदर और साथ में केक भी लेकर आए हैं, बिकॉज यहाँ पर केक नहीं मिलता है तो इसीलिए हम बाहर से लेकर आए हैं। और ये पीछे जो है काफ़ी अच्छी सीनरियाँ लगी हुई थी तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तब तक केक भी आ जाएगा। तो उन्होंने जो है केक दे दिया है हमें प्लेट में, और बस उसको जो है ये थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं, बाकी कैंडल लगा ली है और उसको जला भी दिया है। तो ये है मेरे भाई का बर्थडे केक, और अब होगी केक कटिंग। तो उससे पहले मम्मी यहाँ पर कर रही हैं उसका टीका, तो रोली और चावल घर से ही लेकर आई थी वो, तो यहाँ पर उन्होंने टीका कर दिया है और बस अब वो करेगा केक कटिंग।
केक कटिंग हो चुकी है और यहाँ पर साथ ही में निकू जो है वीडियो कॉलिंग पर है, आप देख सकते हैं। मेरी सिस्टर से हम लोग वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे थे। जब भी ऐसा मोमेंट होता है तो हम वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर मेन्यू कार्ड में खाना डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खाना ऑर्डर करना है, तो वही देख रहे हैं और सभी से पूछ रही हूँ। मम्मी बोल रही हैं कि जो पसंद हो मंगा लो, तो मैं इनसे पूछ रही हूँ और भाई से ही पूछ रही हूँ कि सबको जो पसंद होगी तो वही चीज़ मंगा लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं देख रही थी कि क्या मंगाएं और भाई भी देख रहा था, तो फिर हमने जो है खाना ऑर्डर कर दिया है। जब तक खाना आएगा तब तक हम लोग यहाँ पर केक इन्जॉय कर रहे हैं। वैसे हमेशा जो है केक हम लोग खाते नहीं हैं, लेकर चले जाते हैं, लेकिन मुझे चॉकलेट केक काफ़ी पसंद है, मुझे चॉकलेट ही काफ़ी पसंद है, तो ये चॉकलेट केक था इसीलिए मैं यहाँ पर खा रही हूँ और मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो सभी लोग पहले केक इन्जॉय कर रहे हैं और उसके बाद फिर खाना आ जाएगा, तो बस खाना खाएंगे। यहाँ पर खाना भी आ चुका है, ये है सैलेड और साथ में मंगाई थी हमने पनीर लबाबदार जो कि काफ़ी अच्छी थी खाने में, और ये है दाल तड़का। तो मम्मी ने जो है कटोरियों में सर्व कर दी है, आप देख सकते हैं। बाकी है तंदूरी रोटी, हमने बिरयानी भी मंगाई थी लेकिन वो हम हमेशा बाद में मंगाते हैं बिकॉज पहले से मंगा लो तो ठंडी हो जाती है। तो यही है आज का हमारा डिनर और साथ में है अचार और ये है प्याज सिरके वाली। तो बस मम्मी यहाँ पर सभी को खाना जो है सर्व कर रही हैं और बस हम सब बैठकर डिनर करेंगे। ये हमने मंगाई है वेजिटेबल्स बिरयानी और इसके साथ में आया है ये रायता, ये भी काफ़ी अच्छी थी खाने में। हम लोग आ चुके थे घर वापस और यहाँ पर मैं कर रही हूँ हम दोनों के लिए दूध गरम, और चीनी जो है मैं कप में ही ऐड कर लूँगी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गरम नहीं कर रही हूँ, बस मुझे गुनगुना ही गरम करना है। और हल्दी ऐड करूँगी तो हल्दी वाला दूध पियेंगे हम दोनों। और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा लगा जो कि काफ़ी सिंपल तरह से हमने सेलिब्रेट किया है। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।